नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में कारागार एवं होमगार्ड मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि पहली बार मंत्री बनने के बाद धनवीर प्रजापति आगरा पहुंचे तो वहीं उन्होंने कहा कि अब होमगार्ड के लिए अच्छा काम किया जाएगा, उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कारागार में कई कैदी शुल्क की वजह से रिहा नहीं हो पा रहे थे, जिन्हें रिहा कराया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे आगरा और एतमापुर विधानसभा के लिए है। मैं आभार व्यक्त करूंगा मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आभार व्यक्त करूंगा उत्तर प्रदेश के आम कार्यकर्ता जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए मन्नत मांगते हैं, मेरे लिए पूजा करते हैं, मेरे लिए आराधना करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। उनकी हृदय की भावना जो मेरे साथ जुड़ी है, सो बहुत बड़ी ताकत मुझे मिलती है। आगरा को बड़ी सौगात तीन मंत्रियों के रूप में मिली है, आप पहले से भी थे, दो मंत्री और मिले हैं। तमाम विकास आगरा में बड़ी योजनाएं रुकी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे आप? आगरा के लिए वास्तविक बात है, कुछ होना चाहिए। अपने पहले हमें मात्र 3-4 महीने का कार्यकाल मिला था, फिर चुनाव आ गया, चुनाव में चले गए हम लोग। इस बार 5 साल का मौका योगी जी ने दिया है, आगरा के लिए जो बेहतर हो सके करने का प्रयास करेंगे। अमेठी के थाना शिवरतगंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत टिकरी में वन विभाग की भूमि पर बनी अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया। SDM ने फुर्सतगंज समेत कई थानों की पुलिस फोर्स और भारी संख्या में PAC मौके पर मौजूद रखी है। बता दें कि लगातार प्रशासन का बुलडोजर अवैध इमारत को ढहने में लगा है। तहसील प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में खलबली मची है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निलंबित सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को एक व्याख्यान के दौरान कथित अपमानजनक टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए थाने पर बुलाया था, जहां जितेंद्र कुमार के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान दिखाई गई आपत्तिजनक PPT के संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ते हुए उपरोक्त प्रकरण में प्रोफेसर से गहन पूछताछ हेतु आज से बुलाया गया था। प्रोफेसर को नोटिस शामिल कराया गया है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। पीलीभीत में विधान परिषद के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां 9 अप्रैल को पीलीभीत में होने वाले मतदान को लेकर जनपद में कुल 9 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे अधिक 490 मतदाता पुरनपुर ब्लॉक में मतदान करेंगे। देखिए, इस समय भाजपा की सरकार है, वो अपना भी कह रही होगी, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा नेता, एक एक पदाधिकारी और यहाँ तक कि जो हमारे जनप्रतिनिधि पहले चुने गए हैं, जिनकी वोट पड़ेगी, उनका जो है पूरा बहुमत अपने समाजवादी पार्टी की तरफ है। हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, उनका संपर्क करके जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत में विधान परिषद चुनाव के निमित्त पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ 1759 वोट हैं पीलीभीत जनपद में। हमने अपने पूरे जनपद के वोटरों को 7 ब्लॉकों में बांटा है और हमने पोलिंग बूथों के हिसाब से भी अपने बूथ के संयोजक बनाए हैं, बूथ के प्रभारी बनाए हैं पोलिंग बूथ के, और हमने अपने पूरे 4 विधानसभा के संयोजक बनाए हैं। उसके बाद हमने ब्लॉकों के संयोजक बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस चुनाव को बड़े तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ लिया है। इसमें 9 केंद्रों पर MLC चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी, इसमें सभी पोलिंग पार्टियां तैयार हो गई हैं, उनका अंतिम रैंडमाइजेशन होते हुए कल पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी। आज पुलिस ब्रीफिंग अंतिम रूप से करी जाएगी, सभी केंद्रों पे पुलिस मौजूद रहेगी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी केंद्रों पे लगाए गए हैं, पूर्ण वीडियोग्राफी की व्यवस्था करी गई है। सभी पोलिंग पार्टी के सदस्यों की 2 बार ट्रेनिंग हो चुकी है और उनको जितने भी इसमें दिशा निर्देश हैं उससे अवगत करा दिया गया है। पोलिंग के बाद सभी पोलिंग पार्टियों के द्वारा जो मतदान के बक्से हैं उनको एकत्रित करते हुए हैं, यहाँ से शाहजहाँपुर पूरे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उनको सुरक्षित रूप में रवाना करा जाएगा। सभी मजिस्ट्रेट्स को उनकी ड्यूटियाँ समझा दी गई हैं और पुलिस की व्यवस्था भी कर दी गई है और ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इसको संपन्न कराएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र विधान परिषद चुनाव पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से अमित यादव यहां से MLC हैं, वहीं अब समाजवादी पार्टी ने पुनः उन्हें यहां से दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को अपना प्रत्याशी यहां पर बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से 2022 के विधान सभा चुनाव में हमने प्रचंड जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में भी हम अपना परचम लहराने में कामयाब होंगे।
वहीं प्रशासन की अगर बात की जाए तो विधान परिषद चुनाव को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे का साफ तौर से कहना है कि हमने कि सभी तैयारियां यहां पूर्ण कर ली गई हैं और 9 अप्रैल को यहां पर विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर 7 ब्लाकों पर यहां पर मतदान होगा। 1759 यहां पर करीब मतदाता यहां बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए 12 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे, जिसको लेकर सभी मतपेटियां यहां से जो हैं शाहजहाँपुर के लिए यहां पर रवाना कर दी जाएंगी। चाक सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र यहां पर जो है चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था की गई है। मतपेटियों को यहां से जो है सुरक्षित तौर से शाहजहाँपुर यहाँ से भेजा जाएगा। पीलीभीत से न्यूज वन इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। अलगड़ में हाईटेंशन लाइन की चिंगार से कई किसानों की लगभग 45 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, तो वही इलाके में आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहां आसपास के किसानों की भी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि पूर्व में भी हाईटेंशन लाइन की वजह से कई हादसे हो गए हैं। अमेठी में स्वाट टीम और जगदीशपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 4 शातिर वाहन चोरों को 6 चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर वाहन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल शातिर वाहन चोर बाइक चुराकर बेचने का काम किया करते थे। देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की मांग जोर पकड़ रही है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसे लागू करने की बात कह चुके हैं। हरदोई में छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन बांटने आए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी मदरसों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में नजर आई। उन्होंने कहा कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को अनुशासन मिलता है, ऐसे में यूनिफॉर्म आवश्यक है और मदरसे में कुछ अलग ड्रेस हो ये अच्छा नहीं लगता। सबको ही मिल जाएंगे, अभी तो 2.5 लाख का लक्ष्य है, 2.5 लाख छात्र छात्राओं को देने का लक्ष्य है। आज भी उसी क्रम में 20,000 अपने जनपद में भी लगभग 20,000 छात्र छात्राओं को देने का है। कोई भी छात्र छात्रा इसके छूटेगी नहीं। हम लोगों ने कोरोना के समय में देखा था कि जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो किसी तरह के छात्र छात्राओं की पढ़ाई में दिक्कत ना आए, उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, योजनाओं के बारे में जानकारी हो, सारी चीज़ों के बारे में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किसमें वो फॉर्म डाल सकते हैं, इसके कारण ही हम लोगों ने कोशिश की है कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप दें, स्मार्टफोन दें और इसी योजना के क्रम में आज जनपद में कॉलेज में इसका वितरण किया था। हरदोई के भगौली थाना इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बता दें कि चाचे और भतीजे के बीच मोबाइल को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद भतीजे ने जहरीला पदार्थ खा लिया तो वहीं चाचे ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से महिला की मौके पर ही जान चली गई, लेकिन युवक जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। थाना बगौली क्षेत्र का मामला है ग्राम कोर्ट का, जिसमें मृतका का पति महेश जो है इन्होंने एक तहरीर दिया है कि मोबाइल को लेकर के शैलेंद्र और उनकी पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई शाम को, जिसके कारण जो शैलेंद्र है उनके पिता ने उनको डांट दी, जिसकी वजह से उन्होंने कीटनाशक पी लिया जिनको जिला अस्पताल लाया गया। और रात में ही 2:45 बजे के आसपास उनकी पत्नी नीतू फांसी के फंदे से लटकती मिली है। पुलिस ने पंचायतना भर के आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है, परिजनों द्वारा अन्य कोई द्वारा किसी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई हम करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मामला और सर मोबाइल का क्या मामला है? मोबाइल का मामला यह है कि कल जो है शैलेंद्र एग्जाम देने जा रहा था, उसने अपनी जो भाभी है नीतू उनको मोबाइल दे दिया था, जब आया वापस तो उसी को लेकर के दोनों में कुछ खास सुनी हुई थी। कुशीनगर के पटौरा ब्लॉक परिसर में आयोजित ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार दिन रात गरीब कल्याण के कार्य में लगी हुई है। बीजेपी सरकारों का प्रयास है कि कैसे सबका साथ सबका विकास कर देश को समृद्धि की राह पर ले जाया जाए। वहीं विधायक मनीष जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास कराना ही मेरा लक्ष्य है। उधम सिंह नगर में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने तहसील परिसर में अराज जनवासियों और स्टाम्प विक्रेताओं के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील परिसर में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है, जहां जिलाधिकारी ने कहा है कि ये नियमित चेकिंग है। उन्होंने कहा कि देखा गया कि जो लोग परिसर में बैठे रहे हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि जो मानकों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेगुलर चेकिंग है, जो लोग कैंपस में बैठ रहे हैं क्या सभी के पास लाइसेंस है, सभी ने जो हेलमेट लगाई है नहीं लगाई है, और जो स्टाम्प भेजे जा रहे हैं वो मानकों के अनुसार भेजे जा रहे हैं या नहीं भेजे जा रहे हैं, उसी के संबंध में चेकिंग की गई है। कुछ जो है वो खामियां मिली है, उनकी रिपोर्ट बना के हम जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे, और जिनके खिलाफ जो मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जिन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उधम सिंह नगर के सितारगंज में सरकारी भवनों में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों खटीमा में तैनात कर्मचारी के अवैध कब्जे के मामले में तहसीलदार ने जांच कराकर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। इससे उम्मीद जगी है कि अब सरकारी भवनों का कब्जा खाली करा लिया जाएगा। वही ग्राम पंडरी में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ही सरकारी भवनों में कब्जा जमाए बैठे हैं। उधम सिंह नगर में सितारगंज के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पौधारोपण किया। एसडीएम ने बताया कि स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका और वन विभाग की टीम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और सफाई के साथ ही पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होने की अपील की गई। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे जो है आज मेडिकल की टीम और हमारी नगर पालिका, वन विभाग की टीम सभी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया है। इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि सभी लोग जो है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और साफ सफाई के प्रति जागरूक हों और साथ ही जो है वो एनवायरनमेंट के प्रति भी जागरूक। प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली क्षेत्र के लोग पट्टी गांव में एक गरीब मजदूर के घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे गरीब मजदूर की गृहस्थी जलकर राख हो गई। बता दें कि घर में मौजूद चूल्हे की चिंगारी से आग लगी, जिसमें घर में रखे सामान जलकर राख हो गए। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में 4 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बता दें कि 2 किसानों की 4 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हुई है। ग्रामीणों और किसानों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। किसानों का आरोप है, फायर ब्रिगेड और तहसील प्रशासन को सूचना दी गई, इसके बावजूद भी मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा। यहाँ पर जो एक मशीन धान गेहूँ काट रही थी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, पता नहीं बीड़ी का लगभग ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कोई बीड़ी पीकर यहाँ पर किसी ने डाल दी और एकदम आग ने स्पीड पकड़ ली। दूर दराज से काफ़ी किसान एकत्रित हो गए। कई बार इसका जो मैसेज था एसडीएम साहब को भी दे दिया गया था, यहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची, ना कोई भी ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई भी अमला ऐसा नहीं पहुँचा जिससे कि आग बुझा पाएँ। किसानों ने अपने आप अपने ट्रैक्टरों द्वारा अपने हाथों द्वारा जो डंडे तोड़कर पेड़ के उससे बुझाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल आग पे काबू पाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।